ओलंपिक में मेरी छुरी का रही है उन्हें मैं 15 से 20 दिन में शांत बैठा दूंगा। बॉडी बिल्डर एटीट्यूड मतलब मैं आ रहा हूँ तुम्हारी एस्टेसी कर दूंगा, ये कर दूंगा। तो फैमिली कैसे हो आप लोग, आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपना वर्कआउट प्लान और न्यूट्रिशन अच्छे से फॉलो कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि इस बार दिसंबर में होने वाले अमेच्योर ओलंपिया में ना केवल काफ़ी सारे पुराने एथलीट्स बल्कि इस बार काफ़ी सारे यूट्यूबर्स भी कम्पीट करने वाले हैं, जिसमें से रूबल भाई और रोहित खत्री भाई दो ऐसे बड़े यूट्यूबर हैं जिनके बीच में एक तरह से इनडायरेक्टली कंट्रोवर्सी चल रही है। हालांकि रूबल भाई ने भी अपनी वीडियो में किसी का नाम प्रॉपर्ली मेंशन नहीं किया है, पर जो लोग उन्हें काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हैं, उनकी अपडेट्स देख रहे हैं, वो लोग समझ गए हैं कि वो इनडायरेक्टली किसे कह रहे हैं। तो कल रात रोहित भाई ने अपने हेटर्स के लिए एक वीडियो पोस्ट की थी जिसे कि आप देख सकते हैं। What's up guys? 3 महीने रह गए भाई अमेच्योर ओलंपिया के, बहुत ही तगड़ी तैयारी चल रही है। 72 किलो से स्टार्ट किया था, 82 किलो पे वेट आ गया, 82 से भी ज्यादा हो गया होगा 3-4 दिन पहले ना पता। बहुत सारे लोग मेरे को मैसेज कर रहे हैं भाई अपने शोल्डर पे ध्यान दो, अपने लैट्स पे ध्यान दो। 3 महीने भाई, 3 महीने में तो आग लगा देंगे। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मेरे को बोलते हैं भाई इसका तो बाइसेप्स तेरे से तगड़ा है, इसका तो बाइसेप्स तेरे से बड़ा है। मैं मेंस फिजिक खेल रहा हूँ भाई, जहाँ शोल्डर से वेस्ट का रेशियो देखा जाता है, बॉडी का प्रोपोर्शन देखा जाता है। मेरी वेस्ट पता है कितने की है? 30 की। और जिनके तुम बता रहे हो ना बाइसेप्स तगड़ा है, बाइसेप्स बड़ा है, 40 की वेस्ट लेके घूम रहे हो। पता नहीं खेल भी क्यों रहे हैं मेंस फिजिक में, कम से कम अपनी कैटेगरी तो समझे कि खेलना कहाँ चाहिए। आग लगा देंगे 3 महीने भाई, 3 महीने बच्चे, टेंशन ना लो। तो आपको क्या लगता है वो इस वीडियो में इनडायरेक्टली किसको मेंशन करना चाह रहे हैं, ये बात कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आपका फेवरेट एथलीट कौन है इस बार अमेच्योर ओलंपिया का, ये बात भी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद ना आए तो डिसलाइक मार देना, और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। थैंक यू।